गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जो रोजाना टीवी पर बैठकर न्यूज के नाम पर भाजपा का एजेंडा चलाते हैं और देश के सभी जरूरी मुद्दों पर बात ना करके पूरा टाइम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं ताकि भाजपा की दलाली करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन इस बार एक गोदी पत्रकार को भाजपा की दलाली करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया और ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल अथॉरिटी यानी NBDSA ने इस दलाल पत्रकार की भी उसकी औकात दिखाते हुए उस पर भारी जुर्माना लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये पत्रकार और कोई नहीं बल्कि भाजपा का एजेंडा चलाने वाले न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा है, जो अक्सर अपनी डिबेट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करना बहुत भारी पड़ गया। दरअसल अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 पर बहस के दौरान एंकर अमन चोपड़ा ने हिजाब का पक्ष रखने वाले पैनलिस्ट को अलकायदा से जोड़ दिया था ताकि डिबेट को सांप्रदायिक रंग देकर भाजपा का एजेंडा पूरा किया जा सके, जिसके बाद अमन चोपड़ा पर कार्यवाही करते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ने एथिक्स तोड़ने का दोषी पाते हुए चैनल पर 50,000 रूपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही NBDSA के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK सिकरी ने 21 अक्टूबर को आदेश में कहा कि यदि भविष्य में इस तरह के उल्लंघन दोहराए जाते हैं तो उसे ब्रॉडकास्टर को NBDSA के समक्ष एंकर श्री अमन चोपड़ा की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देना पड़ सकता है। साथ ही अध्यक्ष ने आगे अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि चोपड़ा के अन्य पैनलिस्टों को लाइन पार करने से रोकने में विफल रहने हैं। एंकर ने न केवल आचार संहिता और प्रसारण मानकों और रिपोर्टिंग को कवर करने वाले विशिष्ट दिशा निर्देशों का घोर अनादर किया बल्कि माननीय के निर्णय का पालन करने में भी विफल रहे। वहीं आपको बताते चले कि इंद्रजीत घोरपड़े ने अपनी शिकायत में कहा था कि 6 अप्रैल को प्रसारित शो में एंकर ने मुस्लिम पैनलिस्टों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। साथ ही शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया था कि # अलकायदा गैंग एक्सपोज्ड अल जवाहिरी हिजाब के पीछे पाया गया और अलकायदा ने हिजाब विवाद की योजना बनाई है, जैसे टिकर का उपयोग किया गया था। न्यूज 18 के दलाल पत्रकार के ऊपर ऐसे जुर्माना लगना ये साफ दिखाता है कि कैसे आज ज्यादातर पत्रकार मोदी और भाजपा भक्ति में देश की शांति को भंग कर रहे हैं और भाजपा की लगाई गई हिंदू मुस्लिम की आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं, जो अपने आप में ही पत्रकारिता के ऊपर कलंक है। लेकिन शायद ये दलाल पत्रकार ये भूल गए हैं कि जो आग लगाता है उसका घर भी उस आग में जलकर राख हो जाता है, और ऐसा ही कुछ अमन चोपड़ा के साथ अब हुआ है। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।